अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस टाइम हम मौजूद हैं एक फूड पॉइंट पे, जो हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट फूड पॉइंट है। बच्चे अक्सर यहाँ से आइसक्रीम खाने के लिए आते, ठीक है। तो अभी भी यही रूटीन है कि इन्होंने आइसक्रीम ले ली है। और इधर ये उबैद भी आया है। हेलो कर दो उबैद। हेलो हेलो वसीम से, अस्सलाम वालेकुम। आने वाले वक्त की तैयारी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ वर्ल्ड कप का मैच की तैयारी, ठीक है। 6 अक्टूबर को पहला मैच है पाकिस्तान और नीदरलैंड का। अच्छा जी, इनको सब पता है मैच के अलावा इन्हें कुछ नहीं पता। और ये इन्होंने अपनी आइसक्रीम ले ली है। हम लोगों ने आज आइसक्रीम नहीं लिया, हम लोगों ने लगवाया है स्पाइरल। तो मैं आपको इसकी मेकिंग दिखाती हूँ और मैं पॉइंट भी दिखाती हूँ कि ये कहाँ पे है जहाँ से हम स्पाइरल लगवा रहे हैं। अच्छा, इस जगह राउंड अबाउट से जब आप पी आई रोड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक आइसक्रीम शॉप है, स्टॉप एंड सेव, इसका हम पहले भी रिव्यू दे चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइम लगने लगा है स्पाइरल। तो इन्होंने भाई ने स्पाइरल की इस तरह से कटिंग कर दी, दिखाइएगा इसको। ये स्पाइरल की इन्होंने अच्छे तरीके से कटिंग कर दी है। और अब आप क्या करेंगे इसको? अच्छा, इसके बाद इस बैटर में कोट किया। इस बैटर में क्या क्या होता है भाई? मैदा होता, बेसन होता। मैदा, बेसन और अच्छा, और ये इन्होंने गर्म ऑयल में इसको डाल दिया। अब इसके बनने में कितनी देर लगेगी? 3-4 घंटे लगेगा। ये बना रहे हैं, मैं आपको इनका मेन्यू दिखाती हूँ। इनके पास चिकन समोसा, चिकन रोल, मैक्रोनी समोसा, आलू समोसा और स्पाइरल चिप्स होते हैं, ठीक है। और इनके पास पके और कच्चे समोसे मिल जाते हैं। टेस्ट इनका काफ़ी अच्छा है, हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। और ये भाई हैं जिन्होंने हमारी इसकी मेकिंग की है, ठीक है। तो स्पाइरल जो है ना फ्राई हो गए हैं, ये देखें 2 लगवाए हैं हमने और ये रेडी है। देखिए इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि हमने डाइन इन करना है या टेक अवे। अच्छा, इसमें इन्होंने डाला मसाला और मम्मा केचप नहीं, इसमें इन्होंने डाल दिया केचप, ग्रीन सॉस। ये सारी सॉसेस खुद बनाते हैं कि बाजार की हैं? खुद ही बनाते हैं। और ये है मेयोनीज। इनके चिकन समोसे भी बहुत मजे के हैं, हम खाते हैं। हाँ, वो मैंने मेन्यू भी दिखा दिया। चलो, ये जी हमारे, ठीक है। ये हमने मैरीन को ना टेस्टिंग के लिए खड़ा कर दिया, टूट जाएगा, उठाते टेस्टिंग के लिए खड़ा किया हमने मैरीन को, ठीक है। तो ये काफी बड़ा है। हाँ जी, टेस्ट का बताओ। इनका स्पाइरल अच्छा है और ये गर्म 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 ही खाने का मजा आता है, अदरवाइज ये ठंडे हो जाए तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, इसकी रेटिंग दे दो आप, कितनी? 10 out of 9। अच्छा ठीक है, मैं अब इसकी लोकेशन आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप बाबी टाउन राउंड अबाउट से इधर से आगे की तरफ आते हैं पी आई रोड की तरफ, तो वहाँ पे से आपको एक ये छोटा सा फूड स्टॉल मिलेगा। यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर है, उसके आगे ये छोटा सा एक फूड जो है लगा के बैठे हुए हैं कॉर्नर, यहाँ पर आपको ये मिलेगा। बड़ी रीज़नेबल प्राइस है और इकनॉमिकल इनके चार्जेस हैं और टेस्ट बहुत अच्छा है। ये सारे पागल हुए हुए हैं, कोई स्पाइरल में लगा हुआ है ये इधर इधर वैसे है। ये बहुत गंदे तरीके से खाने वाली चीज़ है, देखो। हाँ, खुलिया देखो इसका। और लगती खाए कहाँ से, तोड़े कहाँ से? जैसे आम होता है, आम आम खाते हुए इंसान बड़ा अजीब लगता है। अच्छा मोहसिन, रेट रेट करो इसको स्पाइरल को, 10 out of टेस्ट वाइज। 10, 8 out of 10। व्हाई यू हैव गिवन 8? बिकॉज़ ऑफ दिस टेस्ट। टेस्ट की वजह से? क्यों? थोड़ा सा खट्टा खट्टा था, स्पाइसी था ना। बहुत है, 10 out of 10 तो नहीं था। मैंने ना कभी 10/10 नंबर लिए ना मैं कभी दूंगा। काफी निकम्मा हाफिज था ये। हाफिज है बाय द वे, ये जो लोग इन्हें जानते हैं उन्हें बता दूं। हाँ जी, 10 में से 7 10 में से 7 इन्होंने 8 दिए। ये वैसे नंबर भी इतना ही लेता था, 10 से 7। मैंने नंबर इसलिए 7 दिए, टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ना नमक तेज है, स्पाइसी है, थोड़ा सॉल्टी है। तो वो जो खटास हो ये ना, नमक तेज है, वो गले को लग रहा है। अच्छा साइम, अब आप बताओ, 20 में से 20 साइम को ऑयली चीजें खास तौर पे पोटैटो चाहिए होते हैं, वो किसी फॉर्म में भी मिल जाए पोटैटो चिप्स, है ना? अच्छा जी, तो ये था आज हमारा छोटा सा व्लॉग जिसमें हमने छोटी सी एक्टिविटी और एक फूड पॉइंट कवर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगला खरला।